नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मैं आपको बताता चलूं, आज जो है कि डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे के मौके पर जो है यहाँ पर देखेंगे फूलमाला अर्पण किया गया है और हमारे बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मैं आपको बताता चलूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि 38 वर्ष चल रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, तमाम डॉक्टर्स की टीम की हर मुमकिन कोशिश जो मरीज के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट करना कोऑपरेट करना, हमारे बीच दिग्गज डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स डे के मौके पर, क्या पैगाम देना चाहेंगे? डॉक्टर्स डे के मौके पर एक ही बोलना है, डॉक्टर्स डॉक्टर रिलेशन जरूरी है और है डॉक्टर पेशेंट रिलेशन, ये दोनों में हम लोग का जोरदार मूवमेंट करना पड़ेगा। डॉक्टर कासिम साहब, डॉक्टर्स डे के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे सर आप? डॉक्टर्स डे में डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और मृत्यु दिन को डॉक्टर्स डे बोला गया है और ये प्रपोजल खिदिरपुर से गया था, इसलिए हम लोग का फख्र है खिदिरपुर ब्रांच का मेंबर लोग का, सब मेंबर का। और डॉक्टर विधान चंद्र राय सिर्फ बने भारतवर्षों का सबसे बड़ा डॉक्टर नहीं थे, वो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था। हमारा बंगाल का जितना अभी 10 करोड़ आदमी, हम लोग का दुर्भाग्य यही है कि जब तक उनका डेथ का बाद उनका तरह आदमी और चीफ मिनिस्टर नहीं बना और बंगाल आगे नहीं बढ़ सका, तो उनको ऐसा आदमी दोबारा आना चाहिए, जन्म लेना चाहिए जो बंगाल को आगे ले जाएगा और मेडिकल फैटर्निटी को आगे ले जाएगा। डॉक्टर सिकलकर साहब, 38 साल हो रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बुनियाद डाले हुए, क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह से साल नहीं, 38 ईयर्स ऐसा कुछ बता रहे हैं? नहीं नहीं, 1928 में स्थापना हुआ है, को बता रहे थे सर। नहीं, अच्छा बहरहाल बताइए, मुझे ये बताओ आवाम तक ये पहुंचना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खिदिरपुर शाखा का बुनियाद 1986 में पड़ा है, 1989 में ये प्रपोजल हम लोग भेजा और प्रपोजल ग्रांट हुआ, जैसा आपने सुना अभी आप मौजूद थे, और 91 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इम्प्लीमेंट होकर आज हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं, मेरा अभी रोआ खड़ा हो रहा है बात करने में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा नेशनल लेवल पर आज डॉक्टर्स डे बीसी राय जी के इसमें उपलक्ष में ऑनर में मनाया जा रहा है। सर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से क्या पैगाम देना चाहेंगे जो पैगाम पूरे देश पूरे वर्ल्ड को जाए सर, ये बताइए। पैगाम कोट अनकोट सपन दा ने कासिम दा ने जो बात कही है कि वी आर बॉर्न फॉर ह्यूमैनिटी, वी विल सर्व द ह्यूमैनिटी, वी विल बी द एसोसिएट्स ऑफ आवर फेलो डॉक्टर्स एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू बी द फेलो फ्रेंड्स एंड फिलोसफर्स एंड गाइड एंड वेलविशर्स ऑफ द एलिंग पेशेंट्स ऑफ होल भारत, नॉट ओनली बंगाल खिदिरपुर एंड सो ऑन। हमारी इच्छा है कि आपके माध्यम से हम लोग इस पैगाम को पूरे दुनिया को पहुँचा दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छोटा सा एक रूम में काम कर रहा है, अभी बड़ा होगा आप लोगों की दुआओं से, लेकिन काम जो करता है वो घर छोटा और बड़ा नहीं देखता है। हमारे इलाके में एक घर में 5-5 लोग सोते हैं लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। संजय कुमार गुप्ता सर, आप लोगों ने एक गांव भी अडॉप्ट किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, उसके बारे में कुछ बताया आप? जी, हमने जो आओ गाँव चले प्रोग्राम है ये हम लोग गए थे मैंने बारुईपुर ग्राम में, हमने अडॉप्ट किया है, वहाँ पर कम से कम 3000 पेशेंट्स का हमारे पूरे टीम ने IIM खिदिरपुर के हमने वहाँ सेवा दिया, ट्रीटमेंट किया, फ्री मेडिकल, फ्री डायग्नोसिस एंड वी आर डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस, एक बार नहीं। और हम बोलेंगे जो हमारे जो खिदिरपुर IIM का जो मैप है ये पूरा इंडिया में छा गया है, पूरा वर्ल्ड कह दीजिए सर, जय पूरा वर्ल्ड, यस। आप जो टेलीकास्ट कर रहे हैं वहाँ 52 कंट्रीज में जा रही है, सो पूरा वर्ल्ड ये जान गया है कि खिदिरपुर कोई एक जगह का नाम है, यहाँ से IIM प्रपोज हुआ डॉक्टर्स डे, सो वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ दिस खिदिरपुर IIM एंड वी विल गिव आवर लाइफ फॉर दिस ब्रांच। हम सब नेक काम करेंगे यहाँ पर, कोई भी इंसान यहाँ बिना दवा का नहीं जाएगा विदाउट ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ डॉक्टर्स है, डॉक्टर कासिम है, डॉक्टर सपन घोष है, डॉक्टर MN हक है, डॉक्टर शकील, डॉक्टर नारायण मुखर्जी, डॉक्टर नूर मोहम्मद है और डॉक्टर गुलाम अम्बी है, द मोस्ट सीनियर मोस्ट फिजिशियन, ही इज़ द BC रॉय ऑफ द पोर्ट एरिया। तो हम जो है हम लोग इंसान के लिए हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग अपना पूरा जान देंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द पोअर पीपल ऑफ दिस लोकेलिटी। हम बोलेंगे कि ये पोर्ट एरिया जो है ये सबसे बेस्ट एरिया है इंडिया का, हम लोग बदनाम है, लोग डरते हैं कि पोर्ट में ये है वो है, कुछ नहीं, यहाँ पर ये बेस्ट एरिया है, यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, यहाँ के कितने बड़े बड़े जज यहाँ पर रहते हैं आप जानते हैं, द येस प्रेजेंट 2 जजेस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, जस्टिस मंथा यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, ही इज द सन ऑफ दिस सॉइल खिदिरपुर का, सो IIM खिदिरपुर इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेज ऑफ राजा बासु, ही इज फ्रॉम आवर स्कूल सेंट पॉल स्कूल एंड जस्टिस मंथा इज फ्रॉम माई स्कूल, शकील का बेटा भी वहीं से पढ़ा है,
ही इज़ नाउ ए पैथोलॉजिस्ट इन द दुबई. सो दिस ब्रांच हैज़ गॉट द टॉप पीपल ऑफ बंगाल इन इंडिया. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एमन हक साहब. हर कदम कामयाबी की ओर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. नाज़रीन मैं बताता चलूँ, IMA प्रेसिडेंट खिदिरपुर डॉक्टर एमन हक साहब मौजूद हैं हमारे बीच. सर क्या कहना चाहेंगे हर कदम कामयाबी की ओर? देखिए आपके मीडियम के जरिया हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर्स और पेशेंट का जो रिलेशन है लोगों ने मिल के ख़राब किया है. उसमें किसका रोल ज़्यादा है हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में जो एक रिलेशन था, एक जो ट्रस्ट था, कुछ लोगों ने मिल करके इसको बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से जो है सफरर डॉक्टर तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा सफरर जो है वो मरीज़ है. मिसाल आपको ये देते हैं कि आज जब हमने इस खिदीपुर में जो है प्रैक्टिस शुरू किया था 30 साल पहले, तो रात को 1 बजे अगर कोई हर्निया का अटकाव मरीज आया जिसका हर्निया अटक गया है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो रात को 1 बजे हम लोग जो है रिस्क लेकर के पेशेंट को ऑपरेशन करते थे. पेशेंट ठीक हो जाता था. अगर 50 ऑपरेशन किए, एक ऑपरेशन पेशेंट मर गया, तो पेशेंट पार्टी या उनके रिलेटिव बोलते थे डॉक्टर साहब आपसे हमारा कोई शिकायत नहीं है, हम लोग आपने कोशिश किया, ऑपरेशन किया, बहुत कोशिश किया, मरीज मेरा मर गया, हम लोगों की किस्मत की बात है, आपसे कोई शिकायत नहीं है. लेकिन ये 30 साल के अंदर कुछ लोगों ने, उसमें मीडिया का भी रोल हम कह सकते हैं, कि इन लोगों ने डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशन था उस रिलेशन को ख़त्म कर दिया है. और वो ट्रस्ट ख़त्म हो जाने के बाद से अगर आज रात को 12 बजे कोई इमरजेंसी पेशेंट मेरे लिए ऑपरेशन कराने के लिए मेरे पास आता है, तो सबसे पहले हम ये सोचना पड़ता है कि इस पेशेंट का ऑपरेशन करें कि नहीं करें. लेकिन जैसे हम सोचते हैं इस पेशेंट का ऑपरेशन करेंगे, इसका मरने के चांस जो है 5% है. अगर पेशेंट मर गया तो लोग हमको भी मारेंगे, नर्सिंग होम को भी भांगचूर कर देंगे, तो हम ये रिस्क आज नहीं लेते हैं. जिसका नतीजा ये होता है कि जो ऑपरेशन जो है 25-30 हज़ार रुपये के अंदर लोकल नर्सिंग होम में, मिसाल के अंदर बिलोना नर्सिंग होम में हो जाएगा, वही ऑपरेशन दूसरे जगह जा करके 3 लाख रुपये में होता है. इस चीज़ को आपको जो है आगे बढ़ाना होगा. पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो रिलेशन ख़राब हो गया, इस रिलेशन ट्रस्ट को आपको कायम करना होगा, नहीं तो पेशेंट जो है सफ़र करेगा. सर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स डे के मौके पर? आज एक अजीब डेट है जिसमें सब कोई जानता है जो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर एक गुड पोजिशन में है, एक तो सोसाइटी का एक तो आईना है जिसको बोलता है, जिसको देख के सब डॉक्टर पेशेंट जाते हैं, पेशेंट ट्रस्ट करता है. हम यहाँ 50 ईयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं. जब शुरू किया था जैसे डॉक्टर हक साहब बोला, उससे आज तक बहुत डिफरेंस हो गया. डॉक्टर एंड पेशेंट के रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो गया. हम जैसे बोलता, हम भी वैसे करता था. रात में, दिन में कोई टाइम नहीं था. दिन रात 2 बजे 3 बजे चले जाता था पेशेंट देखने. पेशेंट जब आते हैं तो 20 आदमी आते हैं, जब छोड़ने आते हैं तो कोई नहीं आता था रात में उस टाइम में. तो आज ऐसा करने से हम लोग नहीं जाते हैं, रिस्क सोचता है. उस टाइम रिस्क नहीं सोचता था. दिस इज़ द डिफरेंस. एंड IMA हम लोग का एक प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग करेगा. साथ साथ डॉक्टर लोग अपना पेशेंट को जैसे कितना अच्छा हाँ सर्विस दे सकता है, ये कोशिश करता है. हाँ बस यही बात बोलना है. सर क्या कहना चाहेंगे सर डॉक्टर्स डे के मौके पर? इन कंटिन्यूशन ऑफ द स्पीच गिवन बाय आवर प्रेसिडेंट, आई वांट टू लेट यू नो ओनली इन वन वर्ड्स, दैट इज डॉक्टर्स आर द मोस्ट रिलायबल एंड बेस्ट फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी. दिस इज माय ड्रीम. सर क्या कहना चाहेंगे सर डॉक्टर्स डे के मौके पर? डॉक्टर्स के अभी जितने सब स्पीकर जो बोला है वही सब सही है. इसको देखिए आप लोग को मीडिया को इसके विरुद्ध ध्यान देना चाहिए. तो नाज़रीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट. और डॉक्टर्स डे है वाकई एक ऐसा दिन जो पूरा देश मना रहा है आज डॉक्टर्स डे. और मैं आपको बताता चलूँ आज डॉक्टर्स डे के मौके पर सबों ने गुलपोसी की यहाँ पर, श्रद्धांजलि दी यहाँ पर. और मैं आपको बताता चलूँ IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खिदिरपुर की जानिब से डॉक्टर्स डे का प्रस्ताव दिया गया था, वो पास हुआ. और वाकई खिदिरपुर को फ़ख्र है, नाज है अपने ऊपर कि खिदिरपुर की जानिब से ये जो प्रपोज़ल दिया गया और ये नाम जो है आज इंडिया मेडिकल एसोसिएशन सिर्फ बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में नाम कर रहा है. और हमारे बीच डॉक्टर्स के देखिए पूरे एक अनमोल तोहफा हमारे बीच मौजूद है, कीमती असासा हमारे बीच मौजूद है जो मरीज़ों की
हर वक्त सहायता करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता चलूँ, कोविड-19 एक वक्त ऐसा गुजरा हम लोगों के बीच हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में देखा जाए तो वाकई हिंदुस्तान में जो गुजरा बहुत ही कीमती लम्हात रहे। डॉक्टर्स ने अपनी फैमिली को छोड़कर मरीजों को देखा, उनकी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कई एक डॉक्टर्स भी इसमें उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी जान से चले गए, लेकिन पैगाम एक ही था कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मैं कौन हूँ, वो कौन है, क्या है, क्या चाहता है, वो कौन है, क्या है, क्या चाहता है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, सबका भला चाहता हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, सबका भला चाहता हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बंगला इंग्लिश हिंदी उर्दू इंग्लिश चार न्यूज़ है हमारे पास, हमारे फेसबुक के चैनल को सब्सक्राइब करें, पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोलकाता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा ना सर, ना ना एडिट कुछ नहीं, ऐसे चला जा गया सर।